हेलो माय डर चिल्ड्रन वेलकम बैक 2024 चैप्टर डायरेक्टिंग से रिलेटेड हमें छह इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने हैं जो हमने सीबीएसई में कवर अप नहीं किए जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट टाइम डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं और उन्हीं डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल था लीडरशिप उस लीडरशिप प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि एक मैनेजर के अंदर कुछ लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस हिज सबॉर्डिनेट्स। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज क्या है और एक मैनेजर किस तरह से एक लीडर से डिफर करता है ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट द लीडरशिप क्वालिटीज दैट शुड बी देयर इन एवरी मैनेजर सबसे पहले तो बच्चों हम लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में जाने मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीडर एंड अ मैनेजर हम टर्म्स यूज करते हैं सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट लीडर एंड द फॉलोअर तो जो मैनेजर होता है उसको सबॉर्डिनेट से डील करना होता है और जो लीडर होता है उसके फॉलोअर्स होते हैं लेकिन एक अच्छा मैनेजर जो है उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स के अलावा लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए एक मैनेजर लीडर से किस तरह से डिफर करता है यहाँ पर मैंने कुछ कंपेरेटिव पॉइंट्स लिख रखे हैं देखिए वो पॉइंट्स क्या हैं? कि एक मैनेजर जो है वो गोल्स बनाता है ही सेट द टारगेट्स ही सेट द गोल्स दैट इज टू बी अचीव्ड द दबॉर्डिनेट्स इन दर्गनाइजेशन लेकिन एक लीडर जो है वो गोल सेट नहीं करता वो एक विजन क्रिएट करता है ही इज द पाथ शोअर ही इज द इंफ्लुएंसर तो इसीलिए एक मैनेजर को एक अच्छा लीडर भी होना जरूरी है लेकिन एक लीडर के लिए एक मैनेजर होना जरूरी नहीं है सो अ मैनेजर अ लीडर बट अ लीडर मे नॉट नेसेसरली बी अ मैनेजर एक मैनेजर जो होता है उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है जो कि उसको ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है वो कोई जॉब पोजीशन होल्ड करता है जैसे प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुपरवाइजर सुपरिंटेंडेंट इस तरह से हमने वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस ऑलरेडी पढ़ रखी हैं इन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हर एक मैनेजर के पास एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है एक फॉर्मल पोजिशन होती है लेकिन लीडर के पास जो है वो इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है जो उसको फॉर्मली नहीं मिलती बल्कि वो डेराइव करता है व्हेन द फॉलोअर्स स्टार्ट फॉलोइंग हिम। तो इसीलिए मैनेजर्स कहां पर देखे जाते हैं दे आर फाउंड ओनली इन द फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेश दोनों में मिलते हैं हमें एन अनादर इम्पोर्टेंट कंपेरिजन इज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन जो एक मैनेजर है वो सारे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग लेकिन एक लीडर जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करता है वो इस तरह से डायरेक्ट करता है इस तरह से डायरेक्शन देता है दैट पीपल स्टार्ट फॉलोइंग हिम एंड ही इंफ्लुस द बिहेवियर ऑफ द अदर्स थ्रू हिज लीडरशिप स्किल्स तो इस कंपैरिजन से सबसे पहले तो हमें यह समझ में आ गया कि एक लीडर और मैनेजर जो है वो अलग अलग होते हैं लेकिन एक मैनेजर के पास लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए अब देख लेते हैं कि वो लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं बच्चों उनको मैंने तीन कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको लर्न करने में भी कोई दिक्कत ना आए तो थ्री पीज में मैंने लीडरशिप क्वालिटीज को डिवाइड कर दिया है फिजिकल क्वालिटीज प्रोफेशनल क्वालिटीज एंड पर्सनल और इमोशनल क्वालिटीज फिजिकल क्वालिटीज जो हैं वो हेल्थ के बारे में बताती हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज जो हैं वो उसकी मोटिवेशन सुपरविजन कम्युनिकेशनल स्किल्स उसके नॉलेज के बारे में बात करती हैं और जो पर्सनल और इमोशनल क्वालिटीज़ होती हैं वो उसके पर्सनल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड होती हैं तो बच्चों फिजिकल क्वालिटी में लीडर की जो फिजिकल अपियरेंस है उसका कॉम्प्लेक्शन उसकी हाइट उसका वेट ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं कि लंबा होना चाहिए छोटा होना चाहिए मोटा होना चाहिए पतला होना चाहिए ये सारी चीज़ें उसकी फिजिकल क्वालिटीज में नहीं आती हैं बल्कि एक अच्छी हेल्थ और एंड्योरेंस होनी चाहिए वो साउंड हेल्थ का होना चाहिए उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए सब कुछ झेलने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए हार्ड वर्किंग होना चाहिए स्ट्रांग होना चाहिए तो ये सारी जो आस्पेक्ट्स हैं वो उसकी फिजिकल क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स हैं जो एक लीडर में होने चाहिए क्योंकि तो अगर ये आस्पेक्ट्स नहीं होंगे अगर एक लीडर बार बार जो है वो बीमार पड़ जाता है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो हार्डवर्किंग नहीं है उसकी पर्सनालिटी से लेजीनेस झलकती है तरह का पर्सन एक इन्फ्लुएंशियल लीडर नहीं बन सकता है तो सबसे बेसिक क्वालिटी एक फिजिकल क्वालिटी जो एक लीडर में होनी चाहिए गुड हेल्थ एंड एंड्योरेंस लेट्स मूव ऑन टू द प्रोफेशनल क्वालिटीज प्रोफेशनल क्वालिटीज में सबसे बेसिक क्वालिटी जो एक लीडर के पास होनी चाहिए दैट इज द नॉलेज कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्ट कर सके प्रॉपरली लोगों को जो कुछ भी काम उसे दूसरों से लेना है वो काम उसे खुद करना आना चाहिए वरना वो दूसरों से काम नहीं ले सकता है तो उस काम की डिटेल्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग उसके पास खुद होनी चाहिए तभी वो दूसरों से आसानी से काम ले सकता है फिर उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की क्योंकि तो दूसरों से काम लेने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि लीडर को ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं उसके लिए उसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं उसको वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसके सबॉर्डिनेट्स अंडरस्टैंड करते हैं उसको आइडियाज जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट करने आने चाहिए उसको प्रॉपर फीडबैक इंश्योर करना चाहिए थ्रू द कम्युनिकेशन स्किल्स डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स में भी हमने एक प्रिंसिपल करा था मैनेजीरियरियल कम्युनिकेशन के बारे में तो वही मैनेजीरियल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं और एक अच्छा मैनेजर ऐसा मैनेजर होना चाहिए जिसके पास इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स हो कि वो अपने सब को प्रॉपर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दे सके उनसे प्रॉपर फीडबैक ले सके उस तरह की लैंग्वेज में अपने सब को एक्सप्लेन कर सके जैसी लैंग्वेज उसके सब अंडरस्टैंड करते हैं तो इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, वो उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज में आती हैं, जो कि एक लीडर में होनी चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स में ही उसकी मोटिवेशनल स्किल्स भी आती हैं, है नीड्स ऑफ द सबोर्डिनेट्स क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है, है थ्योरी में भी हमने देखा कि जब इंसेंटिव दिए जाते हैं तो वो नीड्स के हिसाब से दिए जाते हैं तो एक अच्छा लीडर वो होगा जो अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सके फॉर द बेटर परफॉर्मेंस फॉर द बेटर बिहेवियर वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी तरह की मोटिवेशनल टेक्निक्स वो यूज करे चाहे वो पॉजिटिव मोटिवेशन यूज करे चाहे वो नेगेटिव मोटिवेशन यूज करे चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर मोटिवेट करे चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर मोटिवेट करे उसको ये पता होना चाहिए कि सबॉर्डिनेट्स की नीड्स क्या हैं और उन नीड्स को सैटिसफाई करने के लिए वो कैसे अपने सबोर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सकता है एक प्रिंसिपल हमने करा था डायरेक्टिंग में ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक्स तो वही प्रिंसिपल हम यहां पर यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर दैट अ गुड लीडर शुड हैव अ गुड मोटिवेशनल स्किल्स एज वेल उसके अलावा उसके अंदर इनिशिएटिव स्प्रिड या एलिमेंट होना चाहिए मतलब वो बैठा ना रहे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो अवेल करेंगे लेकिन वो खुद से ग्राप करे जैसे उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको जल्दी से ग्राप करने की कोशिश करे तो इनिशिएटिव एलिमेंट भी के क्वालिटीज में आता है कि वो पहले लीड ले इनिशिएटिव ले और फिर उसके बाद अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करे कि वो उसके साथ चले और उस रास्ते पे चले जो रास्ता वो दिखा रहा है तो बच्चों नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल्स मोटिवेशनल स्किल्स एंड इनिशिएटिव एलिमेंट या इनिशिएटिव स्प्रिट इन सारी क्वालिटीज ऑफ अ लीडर को आप अंडर द प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर जो है वो लर्न कर सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ द क्वालिटीज दैट इज द पर्सनल और द इमोशनल क्वालिटीज उसमें मैंने लिखी है सोशल स्किल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटेग्रिटी एंड सोशल स्किल्स का मतलब कि एक अच्छा लीडर जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसके पास पेशेंस होनी चाहिए पूरी तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स की बात को सुन सके समझ सके अच्छा लीडर वो नहीं होता है जो सिर्फ अपनी ही बात दूसरों को बताता रहे बल्कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों के परस्पेक्टिव से बात को समझने की कोशिश करे जो उसके अंडर काम कर रहे हैं वो उससे बात करने में घबराए नहीं हिचकिचाए नहीं बिल्कुल फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन द मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो बहुत ही फ्रेंडली होता है और सोशल होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है सो दीज आर द सोशल स्किल्स दैट शुड बी पॉजिस्ड बाय एवरी लीडर अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वालिटी और द इमोशनल क्वालिटी दैट शुड बी देयर इन द लीडर इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लीडर के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा थोड़ी सी परेशानी में वो घबरा जाए उसका मेच्योरिटी लेवल ऐसा ना हो कि वो डिफिकल्ट टाइम्स को हैंडल कर सके तो उसके फॉलोअर्स तो ऑटोमेटिकली घबरा जाएंगे तो एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बहुत ही एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कोई सी भी परेशानियां मुश्किलें आए कोई भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आए ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको वो बहुत ही कूल cool और काम तरीके से हैंडल कर सके सो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट कम्स अंडर द इमोशनल एंड द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर उसके बाद इंटेग्रिटी एक अच्छे लीडर में एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए और वो रोल मॉडल होना चाहिए अपने या फॉलोअर्स का मतलब उसके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए जिनको उसके सबॉर्डिनेट्स पसंद करें वो सिर्फ इसीलिए लीडर की बात ना माने कि वो उनका ऑफिशियल मैनेजर है बल्कि इसलिए उसकी बात माने कि वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो लीडर के अंदर वैल्यूज हैं मॉरल्स है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं है, उसको वो एप्रिशिएट करते हैं उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं उसको वो पसंद करते हैं इसीलिए वो उसको फॉलो करते हैं तो एक लीडर में इंटेग्रिटी होनी चाहिए और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिसिसिवनेस। डिसनेस का मतलब होता है फर्म ऑन द डिसंस तो अगर बहुत सोच समझने के बाद अगर लीडर ने कोई एक फाइनल डिसीजन ले लिया तो किसी के कहने पे वो अपने डिसीजन को फ्रीक्वेंटली चेंज ना करे अगर एक लीडर एक डिसीजन लेता है दो दिन बाद उसे चेंज कर देता है फिर उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है तो इस तरह का लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है अपने सब को तो उसको फर्म होना चाहिए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर में एंड दैट इज कॉल्ड डिसनेस एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट शुड बी देयर इन अ गुड लीडर जो सबिनेट्स के साथ डील करता है थ्रू आउट दर विद ऑल टाइप ऑफ सबोर्डिनेट्स इन दर्गेनाइजेशन उसके अंदर क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए फिजिकली उसकी गुड हेल्थ होनी चाहिए उसके पास अपने सब्जेक्ट रिलेटेड अपने काम से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशनल और मोटिवेशनल स्किल्स होनी चाहिए इनिशिएटिव लेने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुछ सोशल स्किल्स होनी चाहिए जैसे कि वो फ्रेंडली होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसके मॉरल्स एथिक्स और वैल्यूज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए इंटेग्रिटी होनी चाहिए उसके अंदर और फॉर्म होना चाहिए वो अपने डिसीजन मेकिंग में दैट इज डिसिवनेस So, I sum up by saying that a good leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. Now, we shall continue with the importance of supervision, motivation, leadership, and communication. See you next time. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.